हेलो इकोनॉमिस्ट्स, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी विद मैथमेटिकल एक्सपोजिशन का लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन देखेंगे लैग्रांजियन मल्टीप्लायर अप्रोच का यूज करके, जो कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का ही हम यहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये जो वीडियोस है ये टीचमेंट क्लासरूम के लिए बनाई जा रही है वीडियो सीरीज। तो ये पूरी वीडियो सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स से टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप टीचमेंट क्लासरूम के मेंबर नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करते हैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर का अप्रोच का यूज करके। यहाँ हम पहले टू गुड्स केस को लेते हैं, उसके बाद हम मल्टीपल गुड्स केस को भी देखेंगे। जैसे कि टू गुड्स केस में यूटिलिटी इस तरह दी होती है, यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई, और उसके बाद एक बजट कंस्ट्रेंट होता है, यानी कि आपका इनकम दिया होता है जिसे आप एम लिख सकते हैं या फिर आप आई भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखिए आपकी मर्जी। और उसके बाद यहाँ पर प्राइस ऑफ गुड एक्स को हम एक्स की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और प्राइस ऑफ गुड वाई को हम वाई की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो हमारा जो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है इसे मैक्सिमाइज करना, ठीक, यानी कि इसे हम मैक्सिमाइज करते हैं और ये हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट है, यानी कि इनकम जो है लिमिटेड है और उसी में हमें देखना है कि उस लिमिटेड इनकम में हम मैक्सिमम कितना यूटिलिटी गेन कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा अप्रोच होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन निकालने का, जो कि बहुत पॉपुलर है, वो है लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं, एक लैग्रांजियन फंक्शन लिखते हैं। लैग्रांजियन फंक्शन होता क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा जाता है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि यूटिलिटी है, और उसके बाद क्या होता है, एक हम लैग्रांजियन मल्टीप्लायर लेते हैं, एक मल्टीप्लायर लेते हैं ये लेमडा, और इसे हम कहते हैं लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। अब जरूरी नहीं है कि लेमडा ही ले, लेकिन जनरली जो बुक में एक्सप्लेनेशन होते हैं लेमडा करके लिया जाता है, बहुत सारे बुक में अलग अलग भी होते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बस ये एक मल्टीप्लायर यहाँ पे आपको लेना है और इसको क्या करना है, इसको जीरो से मल्टीप्लाई करना है, जीरो से नहीं एक्चुअली करना है, मतलब अगर आप इसे इस तरह लिखें इनकम को एम माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई इक्वल टू जीरो, तो इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, तो इसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमने यहाँ पर इसे लिख दिया, ठीक। तो अब यहाँ देखिए ये तो जीरो है, इसकी वैल्यू क्या है, इस टोटल की वैल्यू जीरो है, यानी कि इतनी की पूरी की वैल्यू जीरो है। तो इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है कि ये पूरा फंक्शन यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज हो रही है, यानी कि ये फंक्शन अगर लैग्रांजियन फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है तो यूटिलिटी भी मैक्सिमाइज हो रही है। तो मैक्सिमाइजेशन का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होता है कि इस जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो जीरो के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो सबसे पहले ये लैग्रांजियन मल्टीप्लायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग लेंगे, तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। तो जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लीजिएगा तो ये क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लीजिएगा इस फंक्शन का, उसे हम कैसे लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू, ये है यूटिलिटी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे एक्चुअल फंक्शन नहीं दिया हुआ है, जब एक्चुअल फंक्शन होगा तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन बस हम यहाँ एक सिंबल दे रहे हैं कि यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा कि ये लेमडा सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये सारे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा इक्वेशन, लेमडा एम माइनस लेमडा पी एक्स एक्स माइनस लेमडा पी वाई वाई, इस तरह से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, एक्स सिर्फ इसमें है, तो इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो लेमडा पी एक्स बचेगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस लेमडा पी एक्स, यानी प्राइस ऑफ एक्स, जिसे हमने जीरो के बराबर लिया है यहाँ पर। अब इसे थोड़ा रीअरेंज कीजिएगा आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय, या फिर कहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय पी एक्स। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स। अब आते हैं हम दूसरे कंडीशन पे। अब यहाँ हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, अब इसे हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीजिएगा तो यहाँ भी वही होगा कि जो यहाँ भी वही होगा, यानी कि डिराइवेटिव ऑफ पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, इसी रूल से इसी तरह इसे भी कीजिएगा तो यहाँ पर लेमडा पी वाई बचेगा, यानी कि इस बार इसका डेरिवेटिव होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। और इज इक्वल टू जीरो तो हमने लिया ही है। फिर जब आप इसे रीअरेंज कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से लेमडा इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय पी वाई हो जाएगा, जैसा यहाँ आपने किया सिमिलरली उसे आप यहाँ पे करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और वाई बाय पी वाई, यानी प्राइस ऑफ वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये लेमडा के बराबर है, ये भी लेमडा के बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों लेमडा के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स और फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय पी वाई। अब इसे देखिए कि यही रिजल्ट हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में भी प्राप्त किया था, यही रिजल्ट हमें मिला था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। आप इसके पहले से यानी कि लेक्चर 11th में मैंने शायद डिस्कस किया है उसे, तो वहाँ भी यही रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हो या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हो, यानी इंडिफरेंस करने अप्रोच हो, दोनों में सेम डिसीजन रूल अप्लाई होता है कंज्यूमर के लिए कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और उसके उसका प्राइस का रेशियो क्या होना चाहिए, बाकी कमोडिटीज़ के मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यही सेम डिसीजन रूल यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कार्डिनल में भी और ऑर्डिनल में भी। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये तो टू गुड केस हो गया। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई। तो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन ही कहलाएगा, ये भी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने निकाल लिया। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये भी मैं आपको वीडियोस में बता चुका हूँ और ये प्राइस रेशियो के बराबर होगा। ठीक, तो यानी कि ये भी एक क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यहाँ पे तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने निकाल लिया। अब आप जिसका यूज करें, और एक जो जनरली मोस्ट जनरली यूज होता है वो क्या है, ये वाला कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू होता है प्राइस रेशियो के बराबर, सॉरी यहाँ वाई होगा, ध्यान रखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर होता है। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो डिराइवेशन हमने कर लिया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के बराबर होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जहाँ पे जो ये बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होता है। ठीक, तो ये भी एक क्या है, कंडीशन है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का, ध्यान रखें। तो ये सभी कंडीशन आपको माइंड में रखना है क्योंकि क्वेश्चन कैसे उल्टा के पूछ दिया जाए, तो सबका डेरिवेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। अब थोड़ा इसे और एक्सप्लेन मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये जो चर्चा की कि यहाँ पे टेंजेंट है, अब टेंजेंसी को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या है, वो प्राइस के रेशियो के बराबर है। तो हमने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या होता है, ये बराबर होता है माइनस डी वाई डी एक्स के। इसका मतलब माइनस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई हो जाएगा। अब इस माइनस को अगर हम इधर करें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डी वाई डी एक्स यहाँ पे हो गया और इक्वल टू माइनस पी एक्स पी वाई। ये क्या दिखा रहा है,
ये डी वाई डी एक्स क्या हो गया, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हो गया। इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हम डी वाई डी एक्स से निकालते हैं, और ये पी एक्स माइनस पी एक्स पी वाई क्या हो गया, ये बजट लाइन का स्लोप हो गया। ठीक, अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये इस पॉइंट पे है जहाँ पे बजट लाइन का स्लोप, अब बजट लाइन का स्लोप तो हर पॉइंट पे सेम ही होता है, और लेकिन यहाँ पे जो टेंजेंट हो रहा है इंडिफरेंस कर्व के साथ, यहाँ पर बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, वो बराबर है। तो ये चीज़ जो हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, वो यहाँ भी प्रूफ हो गया लैग्रांजियन का यूज करके भी, कि मैक्सिमम लेवल पर यानी ऑप्टिमम लेवल पे क्या होता है कि स्लोप, यानी कि ये जो स्लोप है डिफरेंस कर्व का, वो बजट लाइन के स्लोप यानी माइनस पी एक्स पी वाई के बराबर होता है। और बजट लाइन के स्लोप के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो पीछे की वीडियोस आप जरूर देखें, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इसको देख रहे हैं तो शायद हो सकता है पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में ना आए। तो ये हो गया टू गुड्स केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन, या फिर आप कहिए यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन भी आप इसे कहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो मैंने निकाला वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, मैंने आपका वो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनीजिंग होना चाहिए, MRS डिमिनीजिंग होना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, और जो लैग्रांजियन के कंटेक्स्ट में अगर आप इसे डिराइव करें तो वो थोड़ा और एडवांस मैथमेटिक्स का यूज होगा, एडवांस तो नहीं लेकिन थोड़ा हमें आगे जाना पड़ेगा। फिलहाल हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ ये मान के चलिए कि जो भी आपको फंक्शन दिया है उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वही नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन दोनों है। बाद में हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन का भी डिराइवेशन करेंगे और उसे भी देखेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़े जो मैथमेटिकल नॉलेज को जिस लेवल को हम लेकर चल रहे हैं उससे ऊपर चला जाएगा, तो अभी उतना ऊपर मैं अभी आपको लेकर नहीं जाऊंगा। बाद में उसको हम अलग से उसकी चर्चा करेंगे कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लैग्रांजियन में कैसे प्रूफ होता है। एक तो मैंने यहाँ बताया कि MRS डिमिनीजिंग होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन डिमिनीजिंग MRS का आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ, उसे आप देख लीजिएगा, या फिर हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ क्या करते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि मल्टी गुड्स केस में कैसे ये प्रूफ किया जा सकता है। तो जो लोग टीचमेंट क्लासरूम के मेंबर नहीं है और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको उससे फिर से एक बार मैं कहूँगा कि आप टीचमेंट क्लासरूम डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।